हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी ने यह कभी ना कभी सुना ही होगा कि अखरोट खाना दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है, पर आज के वीडियो में आपको इससे जुड़े और भी बेनिफिट्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। अखरोट खाना सर्दियों में काफी फायदेमंद होता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन एक दिन में आपको एक या दो अखरोट ही खाने चाहिए। यदि इसको भिगोकर खाया जाए तो इसे दो गुना फायदा आपको मिलता है। सुबह खाली पेट अखरोट खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। अखरोट में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से यह खाना पचाने में आंतों की मदद करता है। अखरोट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की वजह से यह ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। अखरोट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद है। अखरोट हृदय रोग के लिए अच्छा होता है, साथ ही याददाश्त के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। एक अध्ययन के मुताबिक अखरोट खाने से मेमोरी, कंसंट्रेशन और दिमाग की स्पीड सुधार सकते हैं। रोजाना इसके सेवन से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। त्वचा और बालों के लिए भी अखरोट काफ़ी फायदेमंद है। इसके तेल से मालिश करके त्वचा में चमक आती है और इसके तेल से बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अखरोट का जो हल्का सा कड़वापन होता है भिगोने से वह काफ़ी कम हो जाता है। भीगे अखरोट में कई ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में काफ़ी मददगार है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अखरोट में मौजूद मेलाटोनिन तनाव और स्ट्रेस कम करता है जिससे नींद भी अच्छी आती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स रोग प्रतिकारक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अखरोट कितना ही यूजफुल ड्राई फ्रूट है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।